भाई नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मोस्ट इट हंटेड में। दोस्तों, आज फिर से एक नई लोकेशन के साथ में आए हाजिर हुआ। दोस्तों, ये लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ एरिया है। बीच में एक कच्चा सा रोड है और ये रोड मेन रोड से जुड़ा हुआ है। मेन रोड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ अगल बगल कोई गाँव नहीं है। यहाँ से गाँव लगभग 4-7-8 किलोमीटर अगल बगल के गाँव ज़्यादा दूरी पर हैं। दोस्तों, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इस जंगल में जंगली जानवरों के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक आत्मा दिखती है, जो कि बहुत ही भयानक दिखती है। और हम इधर ये पास के गांव से एक भाई को लेकर आए हैं साथ में, जो यहाँ की रियल घटना के बारे में कुछ बताएंगे। भैया आइए। और भैया 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 बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ भाई कुछ एक चरवाहा आता था गाय बाय चराने के लिए, और तभी वो अकेले आया था। शाम टाइम में चराने वराने आते हैं, तो जंगली जानवर उसका शिकार कर लिया था। और फिर उसके जैसे ये जिकाजमा उजम करते हैं, काट वाट डाला था जानवर का। और फिर वो 4-5 दिन गायब रहा गाँव में, इसके बाद ढूंढा, फिर कहा जंगल को गया हुआ लगता। तो यहाँ पे आए थे तो उसके पैर में कटे बटे थे, जैसे खाई। अब जो आता है यहाँ पे, जैसे कोई आता है निकलता है, जो हाईवे रोड है 5 किलोमीटर आप जैसे आपने बताया, तो निकलता है, उसको आत्मा परेशान करती। जैसा कि भैया ने बताया कि इधर जानवरों, अब भी जानवर बहुत ज़्यादा जंगल में है। उस समय तो बहुत ही घना जंगल था, अब कुछ हल्का हो गया है। उस समय बहुत ज़्यादा जानवर थे, इस समय नकरहारे और इधर जानवर चलाने वाले लोग आया करते थे अक्सर। उसी में से एक जानवर ने जानवर चलाने वाले के ऊपर हमला कर दिया, उसको मार दिया। उसकी लाश 2-3 दिन के बाद मिली, वो भी हटी नीची, हाथ पैर थोड़ा बहुत मिले, बाकी सब जानवर मार के खा ले। उसी की आत्मा बोलते हैं आज भी दिखाई देती है। ये तो क्लियर नहीं उसी की आत्मा है, कुछ और है। कुछ लोगों ने देखा उसको, कुछ लोगों ने ऐसे दूर से डर के भाग गए। अब देखते हैं ऐसा कुछ है यहाँ पे या फिर सिर्फ अफवाह है। बढ़ते हैं लोकेशन की तरफ, क्योंकि इधर से यहाँ से आगे कुछ दूरी पर उसकी आत्मा दिखाई देती है, इनके टाइम भी और रात के समय भी। हमें देखते हैं भैया आइए। जंगल तो ये रोड तो जंगल के बॉर्डर साइड से निकला हुआ है जिसका रास्ता, बाकी ये जंगल बहुत ही लंबा जंगल है, 4-5 किलोमीटर में पूरा बबली से बना, बबली और कुछ अलग अलग प्रकार का। ये रास्ता कच्चा कहाँ पे, बाहर रोड से कर निकलता है या फिर ऐसे जंगल में? जंगल में ही बहुत बड़ा रास्ता, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा घने जंगल में नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे लोग कॉमन रोड से निकलते हैं, क्योंकि रात के समय इस रोड पे। ये क्या भाई, अभी से एक्टिविटी होने लगी। हम लोग मोस्ट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलने लगी है। और बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे, यहाँ से उसका एरिया चालू होता है। देख रहे हैं भाई कितना ज़्यादा जंगल है, तो देख सकते हैं जैसे जंगल के एरिया में हम लोग एंटर किए हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इतनी पुरानी पुरानी नदी भी
बाहर ही। भाई तो देखते हैं भैया, और जंगली जानवर कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर से दिखा देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जंगल है यहाँ पे, और जैसे जैसे हम लोग जंगल में एंटर करते हैं वैसे वैसे ही आप बहुत ज़्यादा घना जंगल है, और यहाँ पे जितना भी अंदर जा रहे हैं जंगल और अंदर ज़्यादा ही घना होता जा रहा है, इसलिए अब ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हम और निकलते हैं बाहर की साइड में, क्योंकि थोड़ा सा और चलते हैं आगे और देखते हैं जंगल में क्या क्या दिखता है। ये के भाई, ये भाई क्या है भाई, ये क्या है तो भाई, हमारी तरफ आ रहा है भाई। निकलो यार, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकते इधर भाई। कैप्चर हुआ कैमरे में? हाँ भाई। अब नहीं है दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों के पीछे आ रहा था, एक मिनट फिर से थोड़ा सा और आगे कैमरा दिखाते हैं। चलो भाई, भाई तो ये भाई क्या भाई पीछा कर रही है भाई। चलो भाई यार इतना ज़्यादा देर भाई, जैसा कि बता रहे थे हम भाई बोल रहा था कि जंगल में बहुत ज़्यादा जानवर और आत्माएं दिखती हैं, जस्ट हम लोगों ने वैसा ही देखा। और भाई एक बार कैमरा पीछे घुमाया, भाई है तो कुछ नहीं दिखता। दोस्तों हम लोग अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते इस जगह पर, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग निकलते हैं इधर से। तब तक के लिए जो भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों हम लोग निकलते हैं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तब तक के लिए गुड नाइट।